हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचेस क्लासेस। एवरीवन वेलकम। सो एज यू नो वी आर डूइंग मैथ्स वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लेसन नंबर वन, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 तक कंप्लीट कर दिया था। कल एग्जांपल नंबर 1 और 2 किसका किए थे, पेज नंबर 17 एंड 18। हमारा एक्टिविटी क्वेश्चन रह गया था। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.4 है, इसमें चार ही क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, तो हम चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद द एक्टिविटी टुडे। सो एज यू सी हियर, इट हैज़ बीन गिवन टू सॉल्व गिवन इक्वेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस बिलो सूटेबली, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक्टिविटी लिख दी है, हम सॉल्व करेंगे इसको। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equal to 2, एंड यूर 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equal to 1। सो यू हैव टू रिप्लेस 1 upon x minus 1 by m, तो ये हो जाएगा 5m, ठीक है। प्लस और इसको किससे करना है, n से, n इक्वल टू 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी आपको दिया है, तो हमें अभी क्या करना है, सॉल्व करना है। एज यू सी कुछ भी इसमें वेरिएबल्स जो है वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हम यहाँ कर रहे हैं, ये आपको वर्किंग में करना है, एक्टिविटी में नहीं करके दिखाना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 15m plus 3n equal to 6। दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, हम इसको ऐड कर देंगे साथ में, तो ये हो जाएगा 6m minus 3n equal to 1, ठीक है। ये चला गया, 15 plus 6 is 21m equal 7, therefore m equal 7 upon 21, 7 1 7 3 सा, तो m क्या मिल गया हमें, 1 upon 3, m हमें क्या मिल गया, 1 upon 3, तो यहाँ हम आए लिखेंगे 1 upon 3। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n, तो सब्सटीट्यूट m equal 1 upon 3 in equation 1, ठीक है। इक्वेशन वन क्या था, 5m plus n equal to 2, therefore 5 into 1 upon 3 plus n equal to 2, therefore 5 1s are 5, 5 upon 3 plus n equal to 2, therefore n equal 2 minus 5 upon 3, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे, n equal 6 minus 5 upon 3, therefore आपको n मिल जाएगा 1 upon 3। n भी क्या मिल गया हमें, 1 upon 3। इतना पार्ट क्लियर। सो हम रिप्लेस कर रहे हैं अगेन बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो 1 upon x minus 1 is equal to 1 upon 3, और यह हो जाएगा 1 upon y minus 2 is equal to 1 upon 3। इतना पार्ट क्लियर। तो अब इसको हमें x एंड y ढूंढना है, स्टार्ट करते हैं। सो क्या है, 1 upon x minus 1 equal 1 upon 3, therefore x minus 1 equal to 3, ठीक है, ये मिल गया हमें। सो therefore x equal 3 plus 1 equal to 4, तो x क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया। वैसे ही 1 upon y minus 2 equal 1 upon 3, therefore y minus 2 equal 3, हाँ, therefore y equal 3 plus 2, therefore y equal 5, तो y हमें क्या मिल गया, 5। तो हमारा x एंड y क्या है, 4 and 5, हाँ, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आया समझ में आपको ये सब। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ। सो लेट स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 1.4। ऑल 4 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, 2 upon x minus 3 upon y equal to 15 एंड 8 upon x plus 5y equal to 77। तो हम लिखेंगे 2 into 1 upon x minus 3 into 1 upon y is equal to 15, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड 8 into 1 upon x plus 5 into 1 upon y equal to 77, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। सो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट a फॉर 1 upon x एंड b फॉर 1 upon y, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना है हमें, a फॉर 1 upon x एंड b फॉर 1 upon y, इट विल बिकम 2a minus 3b equal 15, दिस इज विल बी थर्ड इक्वेशन। एंड 8a plus 5b equal to 77, दिस विल बी योर फोर्थ इक्वेशन।
इतना क्लियर। अब अगर आप देखो कहीं भी कॉमन नहीं है इसमें, हम ये कर सकते हैं कि 2 को 8 बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3/4, तो क्या हो जाएगा ये 8a-12b=60, ठीक है, ये आपका फिफ्थ इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है, 8a+5b=77, here it is 8a-12b=60, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये चला गया, दिस विल बिकम 17b=, एक माइनस एक प्लस माइनस हुआ 17, इतना पार्ट क्लियर। सो देयरफॉर b=17/17, 17 1 जा, तो b हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट b=1 इन इक्वेशन, एनी ऑफ द इक्वेशन यू कैन डू, आई एम पुटिंग इन 3, तो 3 क्या है, 2a-3b=15, देयरफॉर 2a-3×1=15, देयरफॉर 2a-3=15, देयरफॉर 2a=15+3, देयरफॉर 2a=18, देयरफॉर a=18/2, दैट इज 2 9 18, देयरफॉर a=9, हमें a क्या मिल गया, 9 मिल गया, b क्या मिल गया, आपको 7 मिल गया। नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है ना, री सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है। सो a=1/x, दैट इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 9x=1, देयरफॉर x=1/9। वैसे ही b=1/y=1, y1 जा y, देयरफॉर y=, क्या मिल गया, 1 मिल गया। सो अपना आंसर क्या है, x and y = 1/9 and 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर दिस मच। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.4, इतना पार्ट क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। (10x+y+2x-y) = 4, 15x+y - 5x-y = 2। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 10x+y + 2x-y = 4, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज 15x+y - 5x-y = 2, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट a फॉर 1/x+y एंड b फॉर 1/x-y, ठीक है। सो इट विल बिकम 10a+2b = 4, थर्ड इक्वेशन, एंड 15a-5b = 2, दैट इज फोर्थ इक्वेशन। इतना पार्ट क्लियर। अब एज यू सी हमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों इक्वेशन में, तो इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 को 2 से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5 एंड इक्वेशन 4/2, ठीक है। तो 3 को 5 से करना है, 5 10 50a + 10b = 20, ये आपका फिफ्थ इक्वेशन बन गया। और दूसरा है 30a - 10b = ये माइनस 2 है गाइस, = -4, ठीक है। दिस विल बी योर सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। सो 5 क्या है, 50a + 10b = 20, 30a - 10b = -4, ये चला गया, इट इज 80a = 16, देयरफॉर a = 16/80, 16 1 जा 16 5 जा,
तो हमें ए क्या मिल गया, 1/5 मिल गया, इतना पार्ट क्लियर। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे ए इक्वल 1/5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, 10a प्लस 2b इक्वल 4, देयरफॉर 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इक्वल 4, 5 2 ज़ा 10, देयरफॉर 2 प्लस 2b इक्वल 4, देयरफॉर 2b इक्वल 4 माइनस 2, देयरफॉर 2b इक्वल 2, देयरफॉर b इक्वल 2/2, 2 1 ज़ा 2, तो हमें b क्या मिल गया, 1 मिल गया, इतना पार्ट क्लियर। b आपको मिल गया 1, सो b हमें 1 मिल गया। अगेन हम क्या करेंगे, री सब्स्टिट्यूट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू, री सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल वैल्यू, आप जो चाहिए लिख सकते हो, री सब्स्टिट्यूट a इक्वल 1/x ऐसा लिख सकते हो, 1/x प्लस y। सो a क्या है, 1/x प्लस y, दैट इज इक्वल टू 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस y इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया, इसको 7 दे दिया। b इक्वल 1/x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया x माइनस y इक्वल टू 1, इसको आपने 8 इक्वेशन दे दिया। अब दोनों को ऐड करो, ऐड इक्वेशन 7 ऐड इक्वेशन 8, ठीक है, x प्लस y इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x इक्वल 6, देयरफॉर x इक्वल 6/2, 2 2 6, आपको x मिल गया 3, इतना पार्ट क्लियर। अब सब्स्टिट्यूट करोगे x इक्वल 3 इन इक्वेशन 7, ठीक है, सो x प्लस y इक्वल 5, देयरफॉर 3 प्लस y इक्वल 5, देयरफॉर y इक्वल 5 माइनस 3, देयरफॉर y इक्वल 2, तो हमें x क्या मिल गया है, 3 एंड y इज 2, ईजी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। जो दो क्वेश्चन है ना वो हम कल कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट, समथिंग प्रॉब्लम हो रहा है मुझे फ़ोन में, सो होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।